करेंगे क्रोमियम कार्बोनिल की। तो क्रोमियम कार्बोनिल क्या होता है? इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आई यू पी ए सी नेम है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम क्यों है? क्योंकि CO6 है, तो 6 का हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? CrCO6। अदर नेम है क्रोमियम कार्बोनिल। तो क्रोमियम कार्बोनिल की अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में बात करेंगे, Cr की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। कितनी होगी? शून्य। अब Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें 3d5 4s1 मिलता है। अब 3d5 4s1 को हम जब लिखते एक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या होगा? 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 का 5 भर गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कॉलम्स में जा चुके हैं। एंड 4s में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको। 4p ब्लैंक है, 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर भी 4p में कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं हो रहा था। अब देखते हैं, चूंकि CO एक स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, इसीलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चला जाता है। 3d कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते हैं, इसी कारण 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेता है। अब क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, इसीलिए जो Cr है वो CO एक स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, इसलिए 4s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा और मूव करके 3d में आ जाएगा। तो 3d में आने पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसा कि आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये पेयरिंग में आ जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी कोई कॉलम खाली नहीं था, इसीलिए 6 में इस पेयर में आ गए और 3d में पेयर में 3 कॉलम्स में पेयर में प्रेजेंट हो गए। 4s ब्लॉक खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, और 4p पहले से ही खाली था। अब देखते हैं, इस प्रकार 4s ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल खाली रहते हैं। इसी प्रकार यह खाली ऑर्बिटल आपस में संकरित होकर d2sp3 संकरण कक्षक बनाते हैं। अब क्या है? 3d के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट उसके पास भी 2 कॉलम खाली है। 4s खाली हो चुका है और 4p पहले से ही खाली था। तो अब ये क्या करेंगे? दोनों संकरण करके d2sp3 संकरण का निर्माण करेंगे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड CO अणु प्रत्येक 6 खाली d2sp3 संकरित कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। अब क्या है? जो ये खाली कक्षक दिख रहे हैं, इसे क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड है जो, वो इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। तो क्या हो जाएगा? CrCO सिग्मा बंध बनाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन देने से पहले की कंडीशन ये थी, d2sp3 संकरण था। अब इलेक्ट्रॉन देने की बाद की कंडीशन क्या है? ये है, इधर भी तो खाली थे, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म सबको दिया है इसने। तो XXCO अणु के धातु के संकरित कक्षकों को प्राप्त इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि CO अणु से धातु के संकरित कक्षकों के संकरित कक्षकों से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए थे वो है ये, ना कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, CO अणु के धातु के संकरित कक्षकों के प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करना चाहेंगे हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर इसका होता है डाईमैग्नेटिक, जो अतः CrCO6 अणु डाईमैग्नेटिक अणु है, मतलब है। तो इसकी संरचना अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय मतलब 8 कोनों वाली। स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बना है, बट मैंने दिए देखिए। तो इसमें क्या है? CO6 दिया है हमें, तो CO6 6 में। अब इसको CO6 की संरचना है, ये एक अष्टफलकीय संरचना है। Cr इसमें मध्य भाग में यानी सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट है। तो आई होप आपको CrCO की पूरे इंट्रोडक्शन से लेकर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर तक की थ्योरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें कि BSc थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ।